morning, little champs. How are you? All good? Okay, so let's start. आज हम study करेंगे क्या? Things we see in the sky. Sky, आसमान. ठीक है? कि sky में हमें कौन-कौन सी things दिखाई देती हैं? क्या-क्या दिखाई देता है sky में? तो हम उनके बारे में आज study करेंगे. Okay? चलिए तो start करें. क्या-क्या है? सबसे पहले बताइए. क्लाउड्स, क्लाउड्स तो है ही, स्काई है ही क्लाउड से. तो क्या है, सबसे पहले तो आप कहोगे मैम हमें तो क्या दिखते हैं, बादल, क्लाउड्स दिखाई देते हैं जैसे हम ऊपर देखते हैं, है ना. उसके अलावा और क्या क्या है, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये चलती है, रात को भी देखते होंगे उनमें लाइटिंग ऐसे चलती रहती है, दिखाई देती है. यहाँ क्या गया, ये एरोप्लेन गया. क्या दिखाई देता है वो हमें स्काई में, एरोप्लेन. सन अभी भी दिखाई दे रहा है ना, देखना बाहर जाके दिखाई देगा, है ना. तो क्या दिखाई देता है भाई, सन, सन भी दिखाई देता है. नाइट में स्टार्स और मून, क्या होता है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और मून, चांद दिखाई देता है ना. कभी कभी देखा होगा आपने, हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहां हॉट एयर बलून, क्या है, हॉट एयर बलून, बड़ा सा बलून होता है, मूवीज में देखा होगा आपने, टीवी में या फिर आप मोबाइल में वीडियो वगैरह देखते हो उनमें भी देखा होगा, एक बड़ा सा बलून होता है और उसके नीचे ऐसे फायर जलती रहती है और वो क्या रहता है, उसकी जो उसमें से जो धुआं निकलता है, जो हॉट एयर निकलती है, उससे वो फिर क्या है, स्काई में ऊपर आसमान में उड़ता है, ठीक है, हॉट एयर बलून. और बर्ड्स फ्लाइंग, पक्षियों को भी उड़ते हुए देखा है ना, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, तो बर्ड्स भी क्या करते हैं, ये भी स्काई में हमें फ्लाइंग करते हैं, भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं. नहीं? रेनबो, बारिश आई, अब बारिश आती है, बारिश आने के बाद जब बारिश रुक जाती है, फिर जब सन निकलता है तो कहीं कहीं हमें ये बड़े बड़े रेनबो बनते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी हमें कहाँ दिखाई देते हैं, स्काई में, है ना. तो कौन कौन सी थिंग्स है, कौन कौन सी जो हमें कहाँ दिखाई देती है, स्काई में, थिंग्स वी सी इन द स्काई, एरोप्लेन, सन, स्टार्स, मून, हॉट एयर बलून, बर्ड्स एंड रेन. ओके, सो ये वो थिंग्स हैं जो हमें कहाँ दिखाई देती हैं, स्काई में, आसमान में. ओके, आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है.